बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है। जो भी ख्वातीनों हजरात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। आज मैं आपके साथ कुछ मुशाहदात शेयर करना चाहती हूँ और इन मुशाहदात में तीन मुख्तलिफ नौयत के आमाल हैं, वज़ाइफ हैं और ये तीन मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए हैं। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलामुअलैकुम। मेरे पास चंद रूहानी आमाल हैं जो मैं कारीने अबकरी की नज़र करना चाहती हूँ छुपे दुश्मन के लिए। अगर कोई दुश्मनी कर रहा हो लेकिन सामने ना आ रहा हो तो इसके लिए रोज़ाना रात को सोने से पहले 1000 मरतबा कलमा तैयबा माँ बिस्मिल्लाह के पढ़ें, दुश्मन सामने आ जाएगा। ससुराल में इज्जत और तौकीर का अमल। सूरह फतह की आयत नंबर 8, 9 और 10, रोज़ाना नमाज असर के बाद कम अज़ कम 21 मरतबा पढ़ें, अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ और अपने शोहर और ससुराल वालों का तसव्वुर करके दम कर दें, वो फरमा बरदार हो जाएंगे और वहाँ आपकी खूब इज्जत होगी। दानों और छालों के लिए मुजरब अमल। सूरह कलम की आयत अलल हुर्तूम से लेकर मुस्बिहीन आयत नंबर 17 तक दानों और छालों के लिए पढ़ना नहायत मुफीद है। पढ़ने की तरतीब इस तरह है कि जिस जगह दाना हो वहाँ पर हाथ रखकर 3 मरतबा ये आयात पढ़ें और हाथ पर दम करके दोबारा वही हाथ रखें। ऐसा 3 बार करें, टोटल 9 दफ़ा पढ़ा जाएगा। अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़िए, दाना ख़त्म हो जाएगा।